लुधियाना के वार्ड नंबर 43 में लगते हिम्मत नगर में नए ट्यूबवेल का उद्घाटन करने के लिए हल्का आदम नगर से एमएलए करवंत सिंह सिद्धू विशेष रूप से पहुंचे। माननीय एमएलए करवंत सिंह सिद्धू द्वारा रिबन काटकर और बटन दबाकर रस्मी उद्घाटन किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए माननीय श्री सिद्धू द्वारा कहा गया कि जो चुनावों में वादे किए हैं वह पूरे काज किए जा रहे हैं। जो सरकार का लोगों के साथ वादा था घर घर में पानी पहुँचाया जाएगा, उसी के तहत 12 लाख की लागत से बने इस नए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया जा रहा है। और क्या कहना था एमएलए कुलवंत सिंह सिद्धू का जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। फतेह हिम्मत सिंह नगर भाई हिम्मत सिंह नगर ए ब्लॉक के निवासियों की बहुत लंबे समय तो मंग सी भी इतने पानी की किल्लत है। इन्हों की मंग को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 12 लाख रुपये की लागत नाल जिथे ट्यूबवेल का उद्घाटन करके बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लोगों ने वादा करया सी भी किसी प्रकार की भी किसी भी निवासी को दिक्कत नहीं आने दी जाऊगी। अगर पानी नहीं जनता को मिलता जो कि मुढ़ली लोड़ है तो फिर समझना मैं बदलाव की चीज़ है। इन्हां दी मंग पूरे करते हुए अज्ज उद्घाटन करया ते मैं इलाका निवासियों थोड़े माध्यम विश्वास दवाना किसी प्रकार की तुहानू कोई दिक्कत हुंदी है साडे नुमाइंदे भी इत्थे हैगे। मैं अपना नंबर भी जनता करदा 9788184002 किसी समय तुसीं कॉन्टैक्ट करके अपना कोई भी काम दस सकते। सर पहले लोगों को बड़ी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ा, पानी जरा पहुँचता नहीं दुगरी हजे होर भी कई इलाके जो बच्चे आते हैं। जे पानी नहीं पहुँचा तो फिर संगत ने अपना फैसला सुनाया बदलाव लिया अजो कितने ने जोड़े पानी नहीं सी देंगे। जे अगर पब्लिक न दुखी करा तो फिर पब्लिक भी दुखी करती है। ये थोड़े सामने की किस तरह जो शहीदी दिहाड़ा चल रहा उस शहीदी दिहाड़े वास्ते तो तुम गल करिए लूं कंधे खड़े हो गए। धन छोटे साहबजादे धन माता गुजर कौर जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने साडे पंजाब दे साडे भारत अपने पिता हिंदी चादर के कदमों पर चलते हुए शहादत दी। एडी लसानी शहादत नूं मैं कोटी कोटी प्रणाम करदा।